बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा कल सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसी बीच रणवीर सिंह और उनके फैंस के लिए एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। फिल्म पायरेटेड ऑनलाइन तमिल रॉकर्स द्वारा लीक की गई है। खबरों के मुताबिक इस मामले में मेकर्स कड़ी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। सिम्बा फिल्म का रिलीज होते ही लोगों के दिलों को जीत लिया है। दर्शकों के साथ साथ रणवीर सिंह की फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी तारीफें मिल रही है। सिम्बा की कहानी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा की कहानी है। उनका मकसद वर्दी की आड़ में सिर्फ पैसा कमाना है। फिल्म में जिसे वह छोटी बहन मानता है उसके साथ हुए यौन शोषण और उसकी मौत उसे झकझोर देती है। सिम्बा जिस लोगों के टुकड़ों पर पल रहा होता है वही लोग उनकी मुंह बोली बहन से रैप और उनकी मौत के जिम्मेदार होते हैं। फिर शुरू होती है एक भाई के बदले की कहानी जिसे नाम दिया जाता है सिम्बा। वहीं अगर हम फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले 22 करोड़ का कारोबार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें 65 करोड़ रुपए फिल्म की लागत और 15 करोड़ प्रमोशन का बताया जा रहा है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले ओपनिंग डे में 88 लाख का कारोबार किया। वहीं अगर हम आज के यानी शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म में 25% ग्रोथ देखने को मिलेगी और सिम्बा शनिवार को 26 करोड़ का बिजनेस आसानी से कर लेगी।